तो हाय दोस्तों, अगर आप कम बजट वाली एक अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में हैं, तो इन पांच अपकमिंग मॉडल्स के बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए। अगर आप भी कम से कम प्राइस के सेगमेंट में एक अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं, तो हम आपके लिए पांच अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर की जानकारी लेकर आए हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, अगर आप स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट आप मिस कर देंगे। तो दोस्तों, पेट्रोल की कीमतों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ कर रखा हुआ है, इसी वजह से लोग धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की मांग भी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। मार्केट में इसके बढ़ते चलन को देखते हुए नई नई ऑटो कंपनियां इस सेगमेंट में कदम रखती चली जा रही है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी सबसे पहली अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो हमारी सबसे पहली अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है TVS क्रियोन। TVS मोटर कंपनी जल्द ही इंडियन मार्केट में एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली है। हाल ही में इस कंपनी के एक स्कूटर को सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। रिपोर्ट की माने तो यह कंपनी के द्वारा शोकेस किए गए क्रियोन इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आधारित है। वहीं इस सेगमेंट में भी इसे iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर रखा जाएगा। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 1,20,000 रुपए तक हो सकती है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। तो ये है LML स्टार इलेक्ट्रिक स्कूटर। लोहिया मशीनरी LML देश में वापसी कर चुकी है। कंपनी LML इलेक्ट्रिक ब्रांड के तहत तीन नए इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में उतारने वाली है, जिसमें स्टार इलेक्ट्रिक स्कूटर भी शामिल है। अब कंपनी ने अपने स्टार स्कूटर के लिए ऑनलाइन बुकिंग करना भी शुरू कर दिया है। इस स्कूटर को बड़ा प्यारा मैक्सी लुक दिया गया है। इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं डे टाइम लाइट्स भी इसमें प्रोवाइड कराई गई है। DRL और 10 इंच के अलॉय व्हील्स भी इसमें दिए गए हैं। और इस स्कूटर की कीमत की बात करें तो 1,00,000 रुपए के आसपास में हो सकती है। तो अब हमारी थर्ड अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है होंडा EM1। होंडा मोटर्स कंपनी ने अपने EM1 इलेक्ट्रिक स्कूटर को हाल ही में पेश किया है। ये एक बजट सेगमेंट का इलेक्ट्रिक स्कूटर है और कंपनी ने इसे खास तौर पर आम ग्राहकों के लिए ही बनाया है। कंपनी इसे 2023 में इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह स्कूटर खास तौर पर स्वेपेबल बैटरी के साथ आएगा और इसमें फास्ट चार्जिंग तकनीक को भी शामिल किया गया है। इसे 90,000 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। अब बात करें चौथी अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर की। अब हमारी चौथी अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है यामाहा नियो इलेक्ट्रिक स्कूटर। यामाहा जल्द ही इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कदम रखते हुए इंडियन मार्केट के लिए नया इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश करने वाली है। जानकारी के अनुसार 2023 में इसे इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। नियो इलेक्ट्रिक स्कूटर में ब्रशलेस DC हब मोटर है, जो स्टैंडर्ड मोड में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चल सकती है। वहीं वन टाइम फुल चार्ज में 60 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। और हमारी पांचवी अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है हीरो इलेक्ट्रिक AE29। जानकारी के अनुसार हीरो इलेक्ट्रिक भी 2023 में ऑटो एक्सपो में एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर EA29 लॉन्च करने वाली है। इसमें 72.9 AH की बैटरी पैक को लगाया जा सकता है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने पर 80 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। वहीं ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से भी चलेगी और फास्ट चार्जिंग तकनीक की मदद से इस स्कूटर को मात्र 4 घंटे में ही फुल चार्ज किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए।